नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी। इसके लिए हमें चाहिए, हमने अभी कढ़ाई रखी है, इसमें थोड़ा सा तेल डालना है, इसमें एक प्याज डाला है, अदरक लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाली है, एक टेबलस्पून हमने मूंगफली डाली है और दलिया डाला है। अब इसे अच्छी तरह से भूनना है, इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक हमें भूनना है। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है मसाला। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। अब इसे मिक्सर में पीस लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमें ये सब बनाना है। ये मिक्सर में तैयार हो चुका है। अब हमने एक टमाटर लिया है, इसकी प्यूरी बनानी है। प्यूरी पूरी तरह से तैयार है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। इसमें कद्दू डालना है, इसे अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक पकाना है। अब ये अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसे हम ढक के रखेंगे 5 मिनट। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसे एक प्लेट पे निकाल के देखेंगे, ये अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसे हमें निकालना है तेल में से बाहर। अब कढ़ाई में उसी तेल में हमें राई डालनी है, जीरा डालना है, जो मसाला हमने बना के रखा था उसको डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दो तीन मिनट तक ही इसे मिक्स करना है। इसको कम हिलाते रहिए। बाद में इसमें हल्दी डालनी है 1 टीस्पून। स्वादानुसार नमक डालना है। एक टेबलस्पून इसमें हमें लाल मिर्च डालनी है। अगर आप कम खाते हो तो कम इस्तेमाल कीजिए। धनिया जीरा पाउडर डालना है, गरम मसाला डालना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें गुड़ डालना है। बाद में हमें इसमें टमाटर प्यूरी डालनी है जो हमने बना के रखी थी। इसे अच्छी तरह से हिलाना है 2-3 मिनट। जब सब्ज़ी में तेल छूटने लगे तब तक इसको हिलाना है। अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से उबाल आने देनी है। देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। बाद में इसमें आधा नींबू निचोड़ के डालना है। अब इसे अच्छी तरह से हिलाना है। काफ़ी अच्छा कलर आप देख सकते हैं। बाद में हमने इसमें जो तल के रखे थे वो कद्दू डालने हैं। इसको अच्छी तरह से हिलाना है 2-3 मिनट।
आप देख सकते हैं। बाद में इसमें हरा धनिया डालना है, काफ़ी अच्छा कलर आया है। इसे 3 मिनट तक ढक के रखना है। देखिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा कलर आया है। इसे मिक्स करना है 2 मिनट तक। लगातार मिक्स करना है। रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। अब हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना।